हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट सेल क्यू। मैं हूं सौम्य रंजन नाइक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को पीडीएफ को आप लोग को परमानेंटली कैसे अनलॉक करना है। कोई भी पीडीएफ फाइल हो उसको आप लोग चाहते हो कि अगर वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो अगर आप लोग ओपन करते तो उसको बार बार पासवर्ड पूछता है, तो आपको परमानेंटली उस पासवर्ड को आप लोग कैसे डिसेबल करना है या पासवर्ड को आपको कैसे रिमूव करना है, इसके बारे में आज आप लोग को डिटेल बताऊंगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे मेरा एक फाइल है 123 में लिखा हूँ। उस फाइल को मैं जब ओपन करता हूँ तो मेरे को वो पासवर्ड मांगता है। ये एक बैंक स्टेटमेंट है, जितनी बार मैं उसको ओपन करता हूँ तो मेरे को पासवर्ड मांगता है। इशू होता है कि मैं बार बार इतना लंबा पासवर्ड किसको याद रहता है, तो एक बार उसको खोल दिया मतलब तो मेरे को बार बार खोलूंगा तो मेरे को पासवर्ड नहीं चाहिए। तो इस फाइल को मैं बार बार पासवर्ड देख के देखना नहीं चाहता हूँ, मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। अगर आप लोग ऐसा इशू फेस करते हो तो बार बार ये कोई भी फाइल आपको पासवर्ड मांगता है, अगर आप लोग चाहते हो कि उसका पासवर्ड को रिमूव करने के लिए, तो आपको कैसे रिमूव करना है। देखिए ये मेरे को जितनी बार खोला तो मेरे को ये पासवर्ड दे रहा है। कोई भी अगर चीज़ मेरे को देखना है इसका अंदर में, तो मेरे को पासवर्ड एंटर करने के बाद ही मेरे को देखना पड़ेगा। तो इस फाइल को मैं पासवर्ड को कैसे रिमूव करूँगा, उसको रिमूव करने के लिए दो तरीका है। एक ऑफलाइन होगा, कोई भी एक पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन के थ्रू उस पीडीएफ का पासवर्ड आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो आपको मैं दो तरीका बताऊंगा। तो चलिए पहली तरीका मैं आपको, मेरा पास है कि एडोब अक्रवर्ड रीडर डीसी है, अक्रवर्ड रीडर डीसी में मैं आप लोग को पासवर्ड कैसे रिमूव करना है पहले आप मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले उस फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको वो पासवर्ड मांगता है, जो पासवर्ड है उसका पासवर्ड दे दीजिए। फाइल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए टूल्स है लेफ्ट साइड में, तो आपको टूल्स का ऊपर क्लिक करना है। टूल्स का ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आप आएंगे तो प्रोटेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज के है, प्रोटेक्ट का ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोटेक्ट का ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रोटेक्ट यूजिंग पासवर्ड रिमूव हिडन इन्फॉर्मेशन एडवांस्ड ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, एडवांस्ड ऑप्शन का ऊपर जाना है, यहाँ पे रिमूव सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है उस रिमूव सिक्योरिटी का ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछेगा एंटर पासवर्ड, आपका जो एग्जिस्टिंग फाइल का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप लोग एंटर कीजिए, उसके बाद ओके मारिए। उसके बाद आपको आएगा आर यू शेयर वांट टू रिमूव द सिक्योरिटी फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उसको सेव कर दीजिए, तभी आपका पासवर्ड परमानेंटली डिसेबल हो गया है। देखिए मैं अभी उसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ, देखिए मेरे को यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा है। तो इस तरह से आप लोग को कोई भी पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग पासवर्ड को रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। तो चलिए अभी ये तो हो गया, आपका ऑफलाइन कोई सॉफ्टवेयर है तो आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप बाहर कहीं पे हो, आपका पास एक फाइल है, आप चाहते हो कि उसका पासवर्ड रिमूव करने के लिए, आपका पास उस टाइम कोई ना कोई लैपटॉप है ना कोई सॉफ्टवेयर है, तो उस टाइम आपको कैसे रिमूव करना है। तो उस टाइम रिमूव करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको ऑनलाइन के थ्रू आप लोग इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ का आप लोग ऑनलाइन में उसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको क्या सर्च करना है, गूगल में आप जाइए, उसमें सर्च कर दिए पीडीएफ अनलॉक ऑनलाइन, ये सर्च करके एंटर मार दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा पीडीएफ अनलॉक करने के लिए वेबसाइट मिलेगा, कोई भी एक वेबसाइट से आप लोग जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4-5 वेबसाइट का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो आप कोई भी एक लिंक में जाके उसको अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए ये पहला वाला जो वेबसाइट आ रहा है आई लव पीडीएफ, तो उसका अंदर में जाके आप लोग को कैसे उसको अनलॉक करना है पीडीएफ फाइल को मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी हिसाब से आप लोग कोई भी पीडीएफ फाइल को दूसरा वेबसाइट में जाके भी कर सकते हो। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा वाला पेज मिल जाएगा अनलॉक पीडीएफ, यहाँ पे डायरेक्ट आप फाइल डाल के अनलॉक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप आई लव पीडीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑल पीडीएफ टूल्स में, यहाँ पे पीडीएफ सिक्योरिटी का अंदर में आपको मिलेगा अनलॉक पीडीएफ, तो आपको सिलेक्ट पीडीएफ का ऊपर सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको कोई भी वो फाइल को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा एक फाइल है 567, यहाँ पे देखिए ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसको मैं अभी तो इसका अभी मैं पासवर्ड रिमूव करना चाहता हूँ, तो अभी भी फाइल को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने के बाद अनलॉक पीडीएफ का ऊपर क्लिक कीजिए। अनलॉक पीडीएफ का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो जो फाइल का जो पासवर्ड है उसको फर्स्ट टाइम मांगेगा। फाइल का पासवर्ड देने के बाद उसको आपको सेंड कीजिए। सेंड का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अभी पीडीएफ अनलॉक हो गया, तो उस पीडीएफ का आपको डाउनलोड अनलॉक्ड पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड आपका हो गया, देखिए अगर उसको अभी आप लोग क्लिक कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी पासवर्ड रिमूव हो गया है। तो इसी हिसाब से आप लोग को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कोई भी पीडीएफ का पासवर्ड आप लोग रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे जरूरी है उस पीडीएफ का आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर बिना पासवर्ड का आप लोग कोई भी पीडीएफ को अनलॉक करने के लिए चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है ऑनलाइन में आप लोग उसका रिमूव कर सकते हो। चलिए कि दूसरा की वेबसाइट हो गया स्मॉल पीडीएफ, उसका अंदर भी आप लोग को ऐसे ही सेम तरीके आप लोग को कर सकते हो। कोई भी फाइल को ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक अनलॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद रियली अनलॉक के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, तो आपका ये फाइल अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करके सेव कर दीजिए, बस
एक ही दो क्लिक में आपका फाइल पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेरा फाइल अभी डाउनलोड हो गया है। उसका अंदर में अगर आप लोग जाके उसका चेक करते हैं फोल्डर का अंदर में, तो यहाँ पे देखिए आपको वो, देखिए ये मेरा फाइल है। फाइल का अंदर में अगर आप लोग उसको ओपन करके देखते हो तो आपका पासवर्ड रिमूव हो चुका है, तो उसको वो दोबारा आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे आधार हो गया आपका, कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो गया, या कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट हो गया, इस तरह से आप लोग को उसका सिक्योरिटी रिमूव कर सकते हो। उसको इस तरह से आप लोग उसका जो पासवर्ड है उसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। चलिए दूसरा एक वेबसाइट हो गया सोडा PDF हो गया, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना है अनलॉक। अगर PDF करना है तो डायरेक्ट ड्रैग ड्रॉप कीजिए, नहीं तो उस फाइल को आप लोग डायरेक्ट जाके सिलेक्ट करके कर सकते हो। अगर आप लोग बिना पासवर्ड का अगर चाहते हो कि उसको रिमूव करने के लिए, देखिए मैं आपको अभी बिना पासवर्ड का रिमूव करने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए क्या, देखिए यहाँ पे मांगता है एंटर योर पासवर्ड, तो मैं बिना पासवर्ड का अगर देता हूँ तो प्लीज़ फिल आउट पासवर्ड इनपुट फील्ड। तो आपको कोई भी पासवर्ड देना है, अगर आप रॉन्ग पासवर्ड दे रहे हो तो पासवर्ड इसी इनकरेक्ट है, तो आपको वो फाइल खोलेगा नहीं। तो इस तरह से आप जितना कोशिश भी करोगे बिना पासवर्ड का आप उस फाइल को खोल नहीं सकते। तो कोई भी PDF से अगर आप लोग उसका पासवर्ड रिमूव करना चाहते हो तो उस PDF का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो बिना पासवर्ड का आप लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गया, किसी भी तरह से आप लोग कोई भी PDF का पासवर्ड रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।